हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ओवरव्यू ऑफ चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्लास 12। इसको आप ध्यान से देखना, मोस्टली बच्चे को क्या प्रॉब्लम आती है, टेबल या ग्राफ बनाने में मुश्किल आती है। लेकिन इसमें हमने सबसे पहले टेबल बनाना है, फिर ग्राफ, फिर हमने एरिया निकालना है इंटीग्रेशन मेथड से। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आता है आपके पास, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय y स्क्वायर इक्वल x एंड लाइंस x इक्वल 1, x इक्वल 4 एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे पहले इसमें आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा तीन इक्वेशन होती हैं, एक, दो या तीन। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही इक्वेशन है, y स्क्वायर इक्वल x। तो किसी भी इक्वेशन का टेबल बनाने के लिए आपको दो पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। अगर लाइन है, अगर इन दोनों पे कोई भी पावर नहीं है उसे लाइन कहते हैं। अगर किसी एक पे स्केयर है तो पैराबोला कहते हैं। अगर दोनों पे स्केयर है तो हम सर्कल या एलिप्स कहते हैं, सर्कल या एलिप्स कहते हैं अगर दोनों पे स्केयर है। तो सबसे पहले हमें कौन से पॉइंट दिए हुए, 1 और 4, x1 y4। अगर आपको एक ही पॉइंट दिया होता तो एक पॉइंट आप जीरो ले सकते हो x का। अगर आपको एक ही पॉइंट दिया हुआ है तो दूसरा पॉइंट आप जीरो ले सकते हो। इसमें दो पॉइंट ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब आप देखो, अगर आप x की जगह यहाँ 1 पुट करते हो, x की जगह 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी +-1, y की वैल्यू +-1। और अगर आप x की जगह 4 पुट करते हो तो y की वैल्यू आती है +-2। सबसे पहला हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया टेबल। सेकंड स्टेप आता है ग्राफ। ग्राफ में क्या है, एक ही इक्वेशन है। अगर मैंने बताया एक पे स्केयर है तो पैराबोला बनता है। x1 ये x एक्सिस होता है, ये माइनस x एक्सिस, y एक्सिस, ये माइनस y एक्सिस। अगर x1 है हमारे पास तो y कितना है, 1 और -1 x1 y1 x1 y -1। उसके बाद आपको दिया है x4 y±2। एक हमने 2 पे लगाया है, एक -2 पे लगाया। और x पे आप ले सकते हो अपनी तरफ से, वैसे लिया हमने। अगर x 0 तो y भी 0, अगर x 0 तो y भी 0। एक पॉइंट ये हो गया, इसका आप ग्राफ बना सकते हैं। ये ग्राफ बन गया आपके पास। इन पॉइंट्स में ये x1 और x4 के बीच में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। आपने x1 और 4 के बीच में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर वो कहते हैं x एक्सिस मतलब ऊपर नीचे दोनों में, ऊपर नीचे दोनों में। अब थर्ड स्टेप है हमारा एरिया। एरिया क्या होता है, इंटीग्रेशन। पॉइंट्स दिए हैं 1 2 4 1 2 4, और y की वैल्यू लेते हैं हमेशा। y की वैल्यू क्या आ गई, √x। y की वैल्यू क्या आ गई, √x dx। अगर x के पॉइंट है तो x की वैल्यू अंदर होगी, अगर y के पॉइंट है तो y की वैल्यू अंदर होगी। ये मेजर पॉइंट है। अगर x के पॉइंट दिया हुआ है तो x की वैल्यू अंदर होगी, अगर y के पॉइंट दिए हैं तो y की वैल्यू अंदर होगी। इंटीग्रेशन करो, x की 3/2 over 3/2, लिमिट 1 टू 4। जैसा आपको बताया है कि पहले 2/3 आ गए, x में अपर लिमिट पुट होती है, माइनस लोअर लिमिट। इसको आप आगे सोल्व कर सकते हो, जैसे 2/3, 4 की 3/2 कितना हो गया, 2 का स्केयर कट गया, 8 - 1 = 7 आ गया। दिस इज 14/3 स्केयर यूनिट्स। एरिया स्केयर में होता है, स्केयर यूनिट्स। सबसे पहले आपने टेबल बनाना है, फिर ग्राफ, फिर एरिया। अगर x के पॉइंट है तो x की वैल्यू अंदर, y के पॉइंट है तो y की वैल्यू अंदर। तो हम इसका एरिया ऐसे हमने कंप्लीट किया। अगर किसी पे भी स्केयर नहीं है तो लाइन होता है। अगर दो पे स्केयर है, एक पे स्केयर है, किन्हीं दोनों में से, तो पैराबोला होता है। दोनों पे स्केयर है तो एलिप्स या सर्कल है, एलिप्स या सर्कल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दो ग्राफ दिए हुआ। सेकंड, x square equal 4y
x इक्वल 4y माइनस 2, इसके बीच का एरिया निकालना है। दो इक्वेशन होगी तो आप क्या करोगे, एक y की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे, एक y की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे, एक y की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे, यह आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल जीरो। फैक्टर बनाओ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इक्वल जीरो, एक्स कॉमन एक्स माइनस टू प्लस वन कॉमन एक्स माइनस टू, एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों टू कॉमा माइनस वन, टू कॉमा माइनस वन। अब दोनों इक्वेशन के अलग अलग टेबल बनेंगे, दोनों इक्वेशन के अलग अलग टेबल बनेंगे, वैल्यू है टू और माइनस वन, दूसरे इक्वेशन की वैल्यू है टू और माइनस वन, टू और माइनस वन। एक्स टू अब इसमें पुट किया हमने, जैसे एक्स टू देखो, एक्स टू पुट किया तो वाई आ गया वन, अगर एक्स माइनस वन पुट करेंगे तो ये आएगा वन बाय टू। एक्स की वैल्यू टू पुट करो यहाँ पर, एक्स की वैल्यू जैसे वाई आ गया आपके पास एक्स प्लस टू ओवर फोर, इसमें आप अगर एक्स की वैल्यू टू पुट करोगे वाई वन आएगा, एक्स की माइनस वन पुट करोगे तो वन बाय टू। अब इसमें फ़र्क क्या है, ये लाइन है ये स्केयर है, स्केयर में आपको दो पॉइंट सेम चाहिए होते हैं, अगर आप यहाँ एक्स की जगह माइनस टू पुट करोगे एक्स या माइनस टू तो वो भी वन आएगा। जब भी पैराबोला हो तो उसमें हमें थ्री पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अब इसका ग्राफ एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वन, एक्स टू वाई वन, एक्स टू वाई वन, एक्स टू वाई वन, एक्स माइनस वन वाई वन बाई फोर, मतलब पॉइंट टू फाइव, पॉइंट टू फाइव। ये पहली इक्वेशन आ गई इसकी लाइन की। दूसरा ये दो पॉइंट तो है ही है, इसमें दिया हुआ है एक्स माइनस टू वाई वन, एक्स माइनस टू वाई वन, एक पॉइंट ये आ गया, ये हमने मिला दिया ऐसे जीरो के साथ, तो ये शेडिड पोर्शन आ गया आपके पास, ये शेडिड पोर्शन। एरिया क्या होता है दो इक्वेशन में, एरिया क्या होता है बच्चों, पॉइंट वही जो निकले माइनस वन टू टू, अपर का हो माइनस लोअर का हो, अपर का हो क्या है लाइन, उसकी वाई की वैल्यू, माइनस लोअर टर्म क्या है पैराबोला, लोअर टर्म क्या है पैराबोला, एक्स के बाई फोर, एक्स के बाई फोर, ये एरिया आ गया आपके पास, ये क्या आ गया एरिया। अगर दो क्वेश्चन होती है तो फार्मूला होता है अपर का हो माइनस लोअर, अपर में एक देखो लाइन है, लोअर में क्या है पैराबोला, लोअर में क्या है पैराबोला, शेडिड किया, अब इसको इंटीग्रेशन कर दिया हमने, इंटीग्रेशन इसके आप हो आपसे हो जाएगी ठीक है। चलो इसके बाद हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, अब हम करेंगे क्वेश्चन थ्री, इसमें आपको एरिया निकालना है। देखो y इक्वल एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल एक्स, वही एक y की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिए, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल एक्स, एक्स फोर इक्वल एक्स, एक साइड ले आओ एक्स फोर माइनस एक्स इक्वल जीरो, एक्स कॉमन एक्स क्यूब माइनस वन, अलग अलग जीरो पे इक्वल लो, एक्स आ गया जीरो, एक आपके पास आ गया एक्स क्यूब इक्वल वन, एक्स की वैल्यू आ गई वन, एक्स की वैल्यू आ गई वन। तो अब दोनों का टेबल बनाना है हमें, दोनों इक्वेशंस का टेबल बनेगा, दोनों का रो लो एक्स वाई, दोनों इक्वेशंस का टेबल एक्स वाई, लिमिट जीरो वन, एक्स जीरो वाई जीरो, एक्स वन वाई वन। इसमें आप नेगेटिव भी ले सकते हो फर्स्ट इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन है इसमें आप नेगेटिव भी ले सकते हो, एक्स माइनस वन तो वाई वन ही आएगा, एक्स जीरो वाई जीरो, एक्स वन वाई वन, इसमें आप एक्स वन वाई वन, इसमें आप वाई को वैल्यू लो स्केयर उसमें दिया हुआ, वाई को माइनस वन लोगे तो एक्स वन आएगा, वाई को माइनस वन लोगे एक्स वन आएगा, क्योंकि पैराबोला में आपको तीन पॉइंट चाहिए होते हैं। अब ग्राफ आ गया आपके पास एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स जीरो वाई जीरो, एक्स वन वाई वन, एक्स माइनस वन वाई वन, एक्स माइनस वन वाई वन, ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन का हमें पर ये है कर्व का एक्स के इक्वल वन, उसके बाद एक्स जीरो वाई जीरो, एक्स वन वाई वन, वाई माइनस वन एक्स वन, वाई माइनस वन एक्स वन, ये पॉइंट आ गया। इसका ये ग्राफ बन गया आपके पास, इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल एक्स। एरिया क्या होता है, एरिया अपर कर्व, ये शेडिड पोर्शन है, इसमें अपर कर्व ये वाला हो गया, इसकी वाई की वैल्यू क्या है रूट एक्स, और लोअर कर्व की क्या है एक्स के, वाई की वैल्यू लिमिट जीरो टू वन,
जीरो टू वन। इंटीग्रेट करो एक्स थ्री बाई टू ओवर थ्री बाई टू बाई द एक्स क्यूब बाई थ्री लिमिट जीरो टू वन जीरो टू वन। यह आ गया आपके पास अपर लिमिट पुट करी टू बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री, यह आ गया वन बाई थ्री स्केयर यूनिट्स, वन बाई थ्री स्केयर यूनिट्स। दोबारा देखो एक वाई की वैल्यू दूसरे पुट करी, एक्स की दो वैल्यूज आई, दो वैल्यूज आ गई, दोनों का अलग अलग टेबल बनाया लेकिन पैराबोला के लिए तीन वैल्यू चाहिए। यहाँ स्केयर है तो एक्स को वन की जगह माइनस वन भी लिखा, यहाँ वाई पे स्केयर है तो वन की जगह माइनस वन लिखा। अपर कर्व ये वाली इक्वेशन है, इसकी वाई की वैल्यू रूट एक्स, लोअर कर्व ये वाली इक्वेशन है, वाई की वैल्यू एक्स है, अपर माइनस लोअर लिमिट जीरो टू वन, वही हमने वन पुट किया, जीरो पे जीरो होता है, तो ये आंसर आता है। थैंक यू सो मच। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन फोर। क्वेश्चन फोर में हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वन जीरो टू टू थ्री वन। वो कहते हैं थ्री पॉइंट्स लेके आपको ग्राफ एरिया ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है। इसमें क्या होता है, या तो पॉइंट्स दिए होते हैं या इक्वेशन दी होती है, या पॉइंट्स दिए होते हैं या इक्वेशन दी होती है। अगर तीन इक्वेशन दी है, सपोज कोई भी दी हुई है, मैं वैसे लिख रहा हूँ अपनी तरफ से, अगर इक्वेशंस दी हुई है तो उन इक्वेशन से ऐसे पॉइंट निकाल दो, इन दो से एक्स वाई, दो से एक्स वाई, दो से एक्स वाई, एक्स वाई निकल आएंगे, तो इसमें ऑलरेडी पॉइंट दिया होंगे। इसमें आपको इक्वेशन बनानी है, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी। इक्वेशन ऑफ ए बी फॉर्मूला होता है वाई माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स। ये एक्स वन है बच्चों ए बी में, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, ये वाई टू। इसमें हमने किया वाई माइनस वाई टू वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई वन इक्वल वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यह आ गया y इक्वल टू एक्स माइनस टू, यह फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे इक्वेशन ऑफ bc, इक्वेशन ऑफ bc, bc की होगी y माइनस वाई वन इक्वल वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। ये हो गया y माइनस टू इक्वल माइनस एक्स माइनस एक्स वन, ये हो गया माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, y की वैल्यू आ गई माइनस एक्स प्लस टू प्लस टू, वाई इक्वल माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल माइनस एक्स प्लस। फिर आएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ सी ए वाई माइनस वाई वन इक्वल एक्स माइनस एक्स वन, बीच में वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये आ गया वन बाई टू एक्स माइनस थ्री 2y माइनस टू इक्वल एक्स माइनस थ्री, वाई आ गया एक्स माइनस वन ओवर टू, वाई आ गया एक्स माइनस वन ओवर टू। ये आपके पास इक्वेशन आ गई इस फॉर्मूले से ए बी बी सी सी। अगर आपके पास इक्वेशन होती है आप पॉइंट निकाल लोगे, इसमें पॉइंट्स दिए हुए थे तो आपने इक्वेशन निकाला। तो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे हम, ग्राफ में वही x माइनस एक्स वाई माइनस वाई, पॉइंट क्या है एक्स वन वाई जीरो ये पॉइंट आ गया, एक्स टू वाई टू ये आ गया, एक्स थ्री वाई वन एक्स थ्री वाई वन ये आ गया पॉइंट। ज्वाइन करो ये एरिया, एरिया कैसे बनाओगे आप, पहले फर्स्ट इक्वेशन वाई की प्लस सेकेंड इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन। लिमिट जो x के पॉइंट है जैसे 1 टू 2 2 टू 3, फिर आप कहोगे 3 टू 1 जाएगा, लेकिन हमने इसे 1 से 3 लिखा है क्योंकि यहाँ माइनस कर दिया, तो लिमिट चेंज हो जाती है क्योंकि बड़ी लिमिट नीचे नहीं आती है। x की लिमिट लिखी 1 टू 2 ये लिखी, 2 टू 3 ये लिखा, उसका 3 टू 1 बन रहा था लेकिन 3 नीचे आनी थी, बड़ी लिमिट नीचे नहीं होती इसलिए हमने माइनस लगाया और 1 टू 3 लिख दिया, 1 टू लिख दिया। इसे सॉल्व करना, 10 विल बी द एरिया आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ इंटीग्रेशन। थैंक यू सो मच। अब हम करेंगे क्वेश्चन 6। इसमें क्या आपके पास, अगर तो दोनों के कोफिशिएंट एक ही इक्वेशन है, कोई पॉइंट नहीं दिए हुए, अगर दोनों पे स्क्वायर हो मैंने बताया सर्कल या एलिप्स होता है, अगर कोफिशिएंट सेम है तो सर्कल,
अगर कोफिशियंट सेम नहीं है तो एलिप्स होता है। ए स्केयर फोर बोला ए टू आ गया, बी स्केयर थ्री नाइन तो बी थ्री आ गया। अब ग्राफ उठाओ इसका, एक्स माइनस वाई माइनस वाई, एक्स टू थ्री, ये एलिप्स आ गया आपके पास, एलिप्स आ गया आपके पास। उसके बाद शेडिड हो गया हमारे पास, कुछ नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में इन्होंने। एरिया कैसे होगा, ये फोर कोऑर्डिनेट में है फोर। लिमिट क्या है, अगर पॉइंट्स नहीं दिए होते जीरो लेते हैं, ए की वैल्यू लेते हैं टू, और वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू निकालो यहाँ से, वाई स्केयर बाय नाइन इक्वल वन बाय नाइन एक्स स्केयर बाय फोर। एलसीएम लो फोर बाय नाइन, फोर बाय नाइन एक्स स्केयर, वाई की वैल्यू आ गई टू बाई थ्री रूट फोर बाय नाइन एक्स, वाई की वैल्यू आ गई टू बाई थ्री रूट फोर बाय नाइन एक्स स्केयर। ये आगे एट बाय थ्री, फार्मूला ए स्केयर बाय नाइन एक्स स्केयर का एक्स बाय टू रूट ए स्केयर बाय नाइन एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर बाय टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, एक्स ओवर ए, लिमिट जीरो टू टू, लिमिट जीरो टू टू। दोबारा बता रहा, अगर कोफिशिएंट अलग अलग होते हैं एलिप्स बनता है। ए टू आ गया, बी थ्री आ गया, हमने ग्राफ बनाया माइनस टू टू थ्री माइनस थ्री, ये वर्टिकल आया हमारे पास एलिप्स। यहाँ से वाई की वैल्यू निकाली इक्वेशन से, एरिया में लगाए, लिमिट अगर कोई नहीं दिया होता जीरो तो लेते ही एक ए की वैल्यू टू, चार कोऑर्डिनेट्स पे इसलिए फोर लिखा बेटा। अब हम इसे एरिया फार्मूला लगाए रूट ए स्केयर बाय नाइन एक्स स्केयर का, इस पर अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप लगा दीजिए, चाहे मैं लगा लेता, टू लगाओ इस पर, जीरो आ गया टू इंटू पाई बाय टू माइनस जीरो जीरो, ये आ गया एट पाई बाय थ्री, एट पाई बाय थ्री स्केयर यूनिट्स। थैंक यू सो मच। अब हम करेंगे क्वेश्चन सिक्स, इस क्वेश्चन सेवन, क्वेश्चन सेवन करेंगे। इसमें क्या आपको मॉडुलस दिया हुआ, मॉडुलस दिया हुआ। सबसे पहले आप ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, जितनी भी वैल्यू से दी हुई है माइनस सिक्स टू जीरो, माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, मैग्नीट्यूड पे लगाओ। पहले एक्स की जगह माइनस सिक्स थ्री आ गया, माइनस फाइव टू आ गया, माइनस फोर वन आ गया, माइनस थ्री जीरो आ गया, माइनस टू वन आ गया, माइनस वन टू आ गया, जीरो पुट करोगे थ्री आ गया। एक वैल्यू करके दिखा देता हूँ, जैसे एक्स मेरा माइनस सिक्स पुट किया ये माइनस थ्री आ गया, मैग्नीट्यूड मतलब प्लस प्लस आ गई आपके पास वैल्यू। अब एरिया निकालो, एरिया क्या होता है, ग्राफ बनेगा सबसे पहले इसका। ग्राफ पे वही एक्स की वैल्यू माइनस सिक्स, ये सारी लगा दो, जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स, वन टू थ्री, ये वाई है, ये एक्स है, ये माइनस है, एक्स माइनस सिक्स वाई थ्री ये हो गया, एक्स माइनस फाइव वाई टू ये वाला पॉइंट, एक्स माइनस फोर वाई वन ये वाला पॉइंट, एक्स माइनस थ्री वाई जीरो, एक्स वन वाई टू, एक्स माइनस टू वाई वन, एक्स माइनस टू वाई वन, एक्स माइनस वन वाई टू, एक्स जीरो वाई थ्री ये पॉइंट हो गया। ये हमने मिला दिया ऐसे करके, फिर शेडिड आ गया, ये वाला पोर्शन शेडिड हो गया। आपको इसका एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, जो लिमिट दिया हुआ माइनस सिक्स से जीरो, मैग्नीट्यूड की वैल्यू दो बार लिखी जाती है क्वेश्चन में, दो बार लिखी जाती है वैल्यू, वैल्यू दो बार लिखी जाती है, पहले के साथ माइनस लिखते हैं दूसरे के साथ प्लस। लिमिट दी थी माइनस सिक्स से जीरो, इस क्वेश्चन को जीरो के इक्वल हो, एक्स आ गया माइनस थ्री, वो बीच में लिखते हैं, उस वैल्यू को बीच में लिखा जाता है, उस वैल्यू को बीच में लिखा जाता है। अब इसको इंटीग्रेशन कर लो, दोबारा बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड वैल्यू है, जितनी लिमिट्स दी होती है सब इस इक्वेशन में पुट करके टेबल बनाते हैं उसका ग्राफ। एरिया कैसे निकाला जाता है, इसी वैल्यू को दो बार लिखते हैं, पहले वाले के साथ माइनस, लिमिट माइनस सिक्स टू जीरो, इसको जीरो के इक्वल या माइनस थ्री, वो बीच में लिखते हैं उसको बीच में। अब इसके बाद आपने सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। थैंक यू सो मच। अब बच्चों करेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या, अगर दोनों पे स्केयर हो तो वो सर्कल होता है, इसमें आपको सेंटर और रेडियस बताना है। सेंटर कितना है आपके पास, सेंटर है जीरो जीरो, रेडियस है टू बस के टू, यहाँ सेंटर टू कॉमा जीरो, रेडियस है टू का स्केयर टू,
इक्वेशन सर्कल होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। एच के सेंटर पॉइंट्स होते हैं सर्कल में, सर्कल में सेंटर पॉइंट्स। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे क्योंकि हमारे पास टेबल तो यही चाहिए था, सेंटर और रेडियस। सेंटर 0 0, रेडियस 2 ये हो गया, सेंटर 2 0, रेडियस 2, सेंटर 2 0, यहाँ ये 2 0, रेडियस 2, एक सर्कल ये बना, ये बन गया 1 1 2 3 4, ये भी 2 है, ये -2 है, ये -2 है, ये 0। पहले सेंटर 0 0 था, रेडियस 2 लेके ग्राफ बनाया, फिर सेंटर 2 0 था, रेडियस 2 लेके ग्राफ बनाया, ये शेडिंग पोर्शन आ गया। ओ ए बी है, एरिया क्या होता है ध्यान से देखो, 2 2, क्योंकि ऊपर नीचे दो पार्ट्स हैं। लिमिट, पहले सर्कल कहाँ टच कर रहा है, 0 से 0 2 के बीच में 1 वैल्यू आ गई, 1 1, 0 2 के बीच में 1 आ गया, ये 0 से 1, फिर वैल्यू गई 1 से 2 1 से 2 1 से 2। अब रह गया एरिया, जब 0 से 1 लिया था तो ये वाला सर्कल था, ये कौन सा है, सेकेंड वाला, इसकी y की वैल्यू क्या होगी, 4 माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर। जब यहाँ है 1 2 2, तो सर्कल कौन सा है, ये वाला, तो इसमें कौन सा इक्वेशन आ गई y की, पहले वाली, √4 माइनस x2। अब इसमें हम √a² - x² का फॉर्मूला लगाएंगे, √a² - x² की वैल्यू x/2 √a² - x² a² / 2 sin inverse x over a, ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे। इसमें फार्मूला लगेगा देखो, एरिया में इक्वल टू x/2 √a² - x² प्लस a² / 2 sin inverse x over a। लिमिट है 0 to 1, फिर नेक्स्ट है x/2 √4 - x² प्लस a² / 2 sin inverse x over a, लिमिट 1 to 2। इसको जो सोल्व करके आएगा वो आपका आंसर। थैंक यू सो मच।